पिछले एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वो रस्सी को ढील देते हैं तो सामने वाली टीम अचानक गिर जाती है और गेहूं भी गिरते गिरते बचता है और वो रस्सी तुरंत खींच लेते हैं और वो जीत जाते हैं। सामने वाली टीम मर जाती है। गेहूं की टीम में एक आदमी भगवान से माफी मांगता है कि उसकी वजह से लोग मरे और शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी जान बच गई। लेकिन जी हाँ नाम की ये लड़की उसको बोलती है कि वो बूढ़े आदमी और संगबू का शुक्रिया करे क्योंकि उनके आईडी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। अगले सीन में जब डियोक्सू गेहू की टीम को जिंदा देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उस टीम में लड़की और बूढ़ा आदमी यानी कमजोर लोग थे। वर्कर मरे लोगों को जलाते हैं लेकिन 28 नंबर वर्कर उन मरे प्लेयर में से एक प्लेयर को नीचे भेज देता है और वो डॉक्टर को लाने का बोलता है। यहाँ मिन्यो गेहूं की टीम की तारीफ करती है और बूढ़े अंकल की आईडी को किसी मूवी में देखा हुआ बताती है और संगू की तारीफ करती है उसकी आईडी के कारण। तभी अली मिन्यो को बोलता है कि तुम गेम के टाइम पर संगू को बोल रही थी पागल हो क्या, ये बकवास अपनी बंद करो, और बोलती है कि डियोक्सी ने उसे नहीं निकाला बल्कि वो खुद छोड़कर आई। लेकिन संगू बोलता है तुम्हें निकाला गया था और उसने ताकतवर लोग चुने थे जैसे उसको गेम के बारे में पहले से ही पता हो। सभी रात होने का वेट करते हैं कहीं हमला फिर से ना हो जाए। गेहूं बोलता है कि पहले हमें खुद को बचाना होगा और लाइट ऑफ होने से पहले हमको एक दीवार बनानी पड़ेगी। तभी डियोक्सू आता है और गेहूं को रात की धमकी देता है लेकिन गेहूं उसे बोलता है कि तेरी टीम में तुझसे बड़े कमीने हैं, कहीं पहले तुझे ही ना टपका दें। वो डर जाता है और हमला ना करने का बोलता है। डियोक्सू डॉक्टर के बारे में पूछता है कि वो कहां पर है। पहले अली और संगू पहरा देते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं फैमिली के बारे में। यहां दिखाते हैं कि 28 नंबर वर्कर के साथ 29 नंबर उस जगह पर जा रहा होता है जहां पर ऑर्गन्स निकाले जा रहे होते हैं। अब क्योंकि 29 नंबर पुलिस वाला है तो उसे इन सब चीजों का कुछ मालूम नहीं होता है। वो बार बार चीजों को लेकर सवाल करता रहता है जिससे उस पर शक होता है। बाकी के वर्कर 29 नंबर वर्कर पर चिल्लाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम है और वो 2 दिन से नहीं आया था। डॉक्टर को जल्दी जल्दी काम करने का बोलता है। डॉक्टर कहता है मौत के कुएं से बाहर निकलकर बिना कुछ खाए ये काम कोई करके दिखाए। वर्कर उसे बोलते हैं इसलिए पहले से ही तुम्हें गेम बताते हैं और ज्यादा खाना देते हैं। संगू और अली सोते हैं। अब गेहूं और बूढ़े अंकल पहरा देते हैं और यहीं डॉक्टर और वर्कर से पहले वाली लाश को लेकर बहस हो जाती है। तभी गेहूं आंख खोलकर एक सपना देख रहा होता है जो कि उसके दोस्त का था, गेहूं की पुरानी जॉब का, और वो बूढ़े अंकल को उसकी स्टोरी बताता है कि उसे जॉब से निकाला गया था तो गेहूं और उसके साथियों ने हड़ताल कर दी थी जिसमें पुलिस की लाठी चार्ज में उसके दोस्त की डेथ हो गई। तभी वो बाप बनने वाला था और उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें पैसों की जरूरत थी। वो अपनी बीवी के पास तक नहीं जा पाया और उसका डिवोर्स भी हो गया। अचानक बूढ़े अंकल को सर में दर्द होता है और तेज बुखार होता है। यहाँ पर वर्कर पुरानी लाश के ऊपर बात करते हैं कि वो एक किडनी वाला ज़ॉम्बी जैसा था। गेहूं के पास पानी नहीं होता, चोर लड़की मदद करती है और बूढ़े अंकल सो जाते हैं। फिर चोर लड़की और गेहूं पहरा देते हैं। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि उस एक किडनी वाले का क्या हुआ तो 28 नंबर बोलता है कि तुम भी तो यहीं पर थे, उस टाइम तुम्हें नहीं पता क्या क्या हुआ था। तभी डॉक्टर गुस्सा होता है और शांत रहने को कहता है। 28 नंबर और 29 नंबर डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ डॉक्टर नेक्स्ट गेम पूछता है लेकिन वर्कर को मालूम नहीं होता। तभी डॉक्टर और वर्कर के बीच लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर वहां से भागने लगता है। 28 नंबर वर्कर बताता है कि यहां बम है, अगर टच किया तो सारी जगह ब्लास्ट हो जाएगी, ये रास्ता वीआईपी लोगों के लिए बना है, अगर खतरा हुआ तो यहां से वो भाग सकते हैं। पुलिस वाला वीआईपी के बारे में पूछता है तो 28 नंबर को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो पुलिस वाले की गर्दन पर रख लेता है और मास्क उतारने का बोलता है लेकिन उसके पास गन होती है। वो 28 नंबर के पेट पर गन रखता है, उससे पूछता है कि वो एक किडनी वाले इंसान के बारे में और बताता है कि उसके भाई ने उसे एक किडनी दी थी, पक्का वही था मेरा भाई जिसे तुम ज़ॉम्बी बोलकर हंस रहे थे। 28 नंबर बोलता है कि वो एक औरत थी क्योंकि उसे मारने के पहले उन्होंने उसके साथ रेप किया था। ये सुनते ही पुलिस वाला उसे मार डालता है और वहां से ऊपर चला जाता है। यहां डॉक्टर और उस वर्कर का सामना होता है। वर्कर डॉक्टर को समझाता है और हथियार नीचे फेंकने का बोलता है। चालाकी से उसे मारने वाला होता है कि ग्रे ड्रेस वाला इंसान वहां आ जाता है और उस वर्कर को मार डालता है और बेईमानी से जीतने वाले प्लेयर को भी मार डालता है। फिर वो ढूंढते हैं इन लोगों में शामिल लोगों को जिसमें से 29 नंबर गायब होता है और वो 29 नंबर पुलिस वाला ग्रे ड्रेस वाले के ऑफिस रूम में पहुंच जाता है और रिकॉर्ड रूम में अपने भाई के बारे में सर्च करता है। सभी उस वर्कर को ढूंढते हैं, सभी प्लेयर्स को उठाया जाता है लेकिन बूढ़े अंकल नहीं उठ पाते क्योंकि उन्होंने पेंट में ही टॉयलेट कर ली थी। पुलिस वाला ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक एक पेज देखता है और चौंक जाता है और अपने भाई का लेता है हंगिन हो, और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।